ओके तो दोस्तों, अगर आप एक WhatsApp यूज़र हो तो WhatsApp पर एक नया फीचर आया हुआ है चैट लॉक का, जिससे आप अपने प्राइवेट चैट्स को लॉक कर सकते हो, जिससे कोई भी अदर बंदा आपके प्राइवेट चैट्स को रीड नहीं कर सकता। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऊपर में स्लाइड करोगे ना, तो ये जो आपका लॉक चैट्स है ना, वो विजिबल हो जाती है, जिससे कोई भी अदर बंदा ना इसको फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, अगर यहाँ बट इसको अनलॉक नहीं कर सकता, बट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता है। बट WhatsApp ने कुछ दिन के बाद एक और नया फीचर लाया है यहाँ पर कि आप लॉक चैट्स को हाइड कर सकते हो। बट काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, एंड काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अपने लॉक चैट्स को ना हाइड नहीं कर पा रहे। देन ऐसे सिचुएशन में मैं बता दूं कि आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको मैं प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि कैसे आप अपने लॉक चैट्स को ईजिली हाइड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अपना लॉक चैट्स में अपना मतलब जो है ना, अपने चैट्स को मैंने लॉक कर रखा। अब हमें इसको हाइड कैसे करना है, जिससे क्या है ना कि अगर हम स्वाइप अप करें ना, तो यहाँ पर हमारे जो लॉक चैट्स ना वो शो ना करे किसी अदर बंदे को। बट उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो फटाफट वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपको अभी तक ये नहीं मालूम है कि आप अपने व्हाट्सएप के चैट्स को लॉक नहीं कर सकते हो, कैसे किया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। किसी के भी आइकन पर टैप करना, आई बटन पर टैप करना, यहाँ पर से ही फीचर देखने को मिल जाता है चैट लॉक का। जस्ट इसको इनेबल करोगे, अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर से दे देना, एंड इसमें यह इनेबल हो चुका है। ठीक है, आप जिससे चाहते हो, एंड लॉक यहाँ पर से अनलॉक करोगे तो यहाँ पर लॉक चैट्स में आपका दो चैट्स यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसको हाइड करना है। कैसे हाइड करना है, ऊपर में राइट साइड की कॉर्नर में टॉप में यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा ना, जस्ट उस पर टैप करो, चैट लॉक सेटिंग ऑप्शन पर टैप करो। यहाँ पर से एक नया फीचर देखने को मिलता है हाइड लॉक्ड चैट्स का, एंड ये जो फीचर है ना, काफ़ी लोगों को नहीं मिला है। बट अगर आपको नहीं मिला है तो मैं इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके लिए आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ से जाकर के आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैसे हाइड करें, इसे कैसे इनेबल करें, प्रोसेस क्या है इसका। तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ इनेबल कर लेना। यहाँ पर बोलेगा हाइड योर चैट्स विथ अ सीक्रेट कोड फॉर मोर प्राइवेसी। आप अपना एक सीक्रेट कोड यहाँ से क्रिएट करके आप अपने प्राइवेट चैट्स को, लॉक चैट्स को हाइड कर सकते हो। क्रिएट सीक्रेट कोड पर टैप करना, यहाँ पर से आप 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, जितना डिजिट का भी आप यहाँ पर से कोड जनरेट कर सकते हो। यूज़ वर्ड और इमोजी बट मेक इट मेमोरेबल। आप ऐसा इमोजी भी यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हो, वर्ड भी, लेकिन आपको ध्यान में रहे, याद रहे, आप इसके ये जो वो कोड आप जनरेट करोगे ना, किसी अदर बंदे के साथ आप यहाँ से शेयर नहीं करना। ठीक है, वरना फिर वो आपके प्राइवेट चैट्स को ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना जो प्राइवेट कोड है वो मैं यहाँ पर से जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद एक कि ये इमोजी भी मैंने दे दिया, एंड उसके बाद नेक्स्ट पर टैप कर देना। सेम आपको यहीं पर दे देना है, एकदम उसी तरह से जैसे कि हम अपने फ़ोन का पासवर्ड सेट करते हैं ना भाई, उसी तरह से आपको कर देना, डन कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद आप बैक जाना, यहाँ पर से बैक आ जाना, एंड जैसे आप ऊपर स्लाइड करते हो ना भाई, यहाँ पर देख सकते हो जो चैट लॉक ऑप्शन आता था ना पहले, अब नहीं आ रहा है। और अगर कोई भी अदर बंदा आपको व्हाट्सअप को लेता है ना, पूरी तरीके से फाइंड आउट करेगा ना भाई, कहीं नहीं मिलेगा उसको, आपके प्राइवेट चैट्स, लॉक चैट्स, वो उसको देखेगा ही नहीं। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा डायरेक्टली, बट उसके लिए तो सीक्रेट कोड ज़रूरत होगी जो आपको सिर्फ मालूम है। और इस सीक्रेट कोड को ना और किसी के साथ भी शेयर मत करना। अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, आपको नहीं मालूम कि कैसे फाइंड आउट करें, तो सर्च पर टैप करना, अपना सीक्रेट कोड एंटर कर लेना यहाँ पर से। ठीक है, तो मैंने यहां पर एंटर किया, अभी भी रिजल्ट नहीं मिल रही है। जब तक आप परफेक्ट पूरा का पूरा एंटर नहीं करोगे, एक इमोजी बाकी मेरा, जैसे मैंने यहां पर इमोजी दिया भाई, यहां पर देखते हो तो मेरे जो लॉक चैट्स है ना, वो विजिबल हो गई और अनलॉक भी हो गई। जस्ट इसको टैप करूंगा, एंड मेरा जो लॉक चैट्स है वो फाइंड आउट हो चुका है, एंड इससे मैं अपने लॉक चैट्स को ओपन करके प्राइवेटली चैट कर सकता हूं। कोई भी अदर बंदा इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता इस फीचर को इनेबल करने के बाद। ठीक है, तो डेफिनेटली से व्हाट्सएप के इस नए फीचर्स का आप ये बेनिफिट उठा सकते हो, एंड उठाओ, क्यों ना उठाओ भाई, व्हाट्सएप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। प्राइवेसी रिलेटेड व्हाट्सअप काफ़ी नए नए अपडेट्स लाता रहता है, तो डेफिनेटली से ट्राई करना। और अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हुई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।